फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल। तो आज हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं, आज हम रिव्यू करने वाले हैं या कंपैरिजन करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक परचेज का। हम इस वीडियो में कंटेंट से लेकर के कॉस्ट सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बुक सुपर टेट की है, और सुपर टेट वैसे तो भी आ नहीं रहा है, बट स्टार्टिंग को हमें पढ़ना पहले से ही पड़ेगा। तो इस बुक को मैंने ऑफलाइन परचेज किया था। ये बुक अपडेटेड है, जो कि 2022 से लेकर 2023 के लिए ही बनी हुई है। अग्रवाल ग्रुप पब्लिकेशन है ये स्पेशली, और यहाँ पर आप सभी के सभी टॉपिक्स इस बुक में पाएंगे। सभी के सभी सेक्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ भी सभी चीज़ों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये बुक का मीडियम हिंदी है। इट मीन्स यूपीटेट की कोई भी बुक इंग्लिश में प्रोवाइड नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादातर हिंदी में ही थी, तो ये भी हिंदी में ही है। और यहाँ पर सारे के सारे कंटेंट्स के ऊपर मार्क्स पर बात हो रही थी। अब बात करते हैं हम इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स पहले यूनिट हिंदी है। फर्स्ट यूनिट में लगभग 14 टॉपिक्स हैं। सेकेंड यूनिट संस्कृत की है, जिसमें भी 14 टॉपिक्स हैं टोटल। और यूनिट थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें लगभग 10 टॉपिक्स हैं। आप कुछ टॉपिक्स चाहें तो वीडियो को स्लो करके आप खुद देख सकते हैं। यूनिट फोर है साइंस की, जिसमें टोटल 6 टॉपिक्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। एंड देन यूनिट फाइव में मैथ्स है, लगभग इसमें हैं 15 टॉपिक्स हैं, 18 पूरे टोटल टॉपिक्स हैं, आप देखिए यहाँ पर। और पर्यावरण की बात करें तो इसमें टोटल भी दिखाते हैं, इसमें टोटल 16 टॉपिक्स हैं। यूनिट सेवन शिक्षण कौशल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लगभग टॉपिक्स हैं एट टॉपिक्स हैं। और यूनिट एट है बाल मनोविज्ञान, जिसमें 6 टॉपिक्स हैं। और फिर यूनिट नाइन तार्किक क्षमता रीजनिंग, यानी कि टॉपिक रीजनिंग के टॉपिक्स, लगभग 25 टॉपिक्स हैं इसमें। और फिर आता है यूनिट 10 सूचना तकनीकी, जिसमें एक ही टॉपिक है। और यूनिट एंड देन फिर हमारे पास यूनिट 11 है, जिसमें जीवन कौशल के बारे में लगभग 6 टॉपिक्स हैं। एंड एट लास्ट सॉल्व पेपर हैं, यानी टोटल 708 पेजेस हैं मेन, और भी पेजेस हैं। और बुक स्टार्ट होती है हिंदी ग्रामर से, और ये इसमें कुछ कंटेंट्स हैं। एक ओवरव्यू दिखाती हूँ कि कैसे इसमें दिया गया है, कैसे पिक्चर्स हैं, क्या डायग्राम्स हैं, कैसे लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज। पहले सेक्शन में बताना चाहती हूँ शिक्षण कौशल के बारे में। आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, शिक्षण के सिद्धांत को कैसे डायग्राम दिखाया गया है, शिक्षण के उद्देश्य, ऐसे शिक्षण सूत्र, उन सबको फ्लो डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। कितना अगर आप न्यूली हैं, न्यू पर्सन है, इसको समझने के लिए आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही डिफाइन किया गया है, उसे डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसको भी अच्छे से डिफाइन किया गया है। हर जगह पे आपको छोटे छोटे डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट्स दिखेंगी। विशेषता क्या है, तो विशेषताओं को भी उन्होंने एक लाइन में ही ट्राई किया इसको डिफाइन करने का, सबसे अच्छी बात यहाँ पे। फिर आप बात आते हैं जो भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक वाइज, जैसे कि शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, जो एक सेक्शन है उसके सारे क्वेश्चन एक साथ में रखे गए हैं। उसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करें, शिक्षण और अधिकम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सारे क्वेश्चंस एक साथ रखे गए, वर्तमान शिक्षा के वो सभी क्वेश्चंस एक साथ रखे गए हैं। ये भी बहुत अच्छे से रखे गए हैं, यानी कि आप अगर कोई क्वेश्चन सर्च करना चाहते हैं कि यूपीटेट में कौन सा टॉपिक आया है, तो डायरेक्टली आप टॉपिक में जाकर के क्वेश्चंस आसानी से ढूंढ सकते हैं। और लास्ट में ये देखिए सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, जो भी सॉल्यूशंस है ABCD इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से मनोविज्ञान को भी आप देखेंगे थोड़ा सा फ्लो डायग्राम में दिखाया गया हर चीज़ को। ये है इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादातर हिंदी में ही सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है। यही थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए एडवांटेज है और कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज होगा। दूसरी बात ये कि जो इसमें एरर एनालिसिस के क्वेश्चन है कि एरर फाइंड करिए, तो उन्होंने डायरेक्टली आंसर दे दिया गया है, उसका कोई सलूशन नहीं है कि वो आंसर क्यों है। ये बुक का बैक व्यू है। अब बात करते हैं ऑनलाइन परचेज का। ऑनलाइन परचेज का अगर देखें स्टार्टिंग में, तो आप कई कवर इस तरीके से, और सुपर टेट 2022 की मिल रही है इस टाइम। ये प्रेजेंट डेट का अगर बताऊं तो 2-3-4 दिन पहले की वीडियो समझ लीजिए रिकॉर्ड की है, स्क्रीन रिकॉर्ड की थी। और यहाँ पे फ्री डिलीवरी भी नहीं है, क्योंकि 500 लगभग में जब आप कोई परचेज करेंगे तभी आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। इट मीन्स आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। और यहाँ पे इंडेक्स देखेंगे, अगर मैंने इंडेक्स मैच किया, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स, ऑलमोस्ट नहीं, सेम ही टॉपिक्स हैं सारे, जो मैंने ऑफलाइन परचेज किया उसी को मैच किया था इंडेक्स से, ऑनलाइन के टॉपिक से। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट एक्चुअल में मैंने मैच कर चुकी हूँ, और यहाँ तक कि पेजेस भी उतने ही हैं, वैसे ही सेक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं। और
इसमें यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं 2022 की बात कर रहा है, ये भी अपडेटेड है, ये लेकिन प्रेजेंटली 2023 चल रहा है, तो अपडेटेड कितना अपडेटेड है, ज़्यादा अपडेटेड नहीं है ये। बट मैंने इंडेक्स मैच किए थे वो तो काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं। और यहाँ पे मॉर भी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि इसके डिलीवरी चार्जेस क्या हैं क्या नहीं हैं, इसके अलावा टाइमिंग क्या है। यहाँ ये देखिए 10 डेज़ का रिप्लेसमेंट मिल रहा है, इसमें फ्री डिलीवरी लिखा है बट ऐसा है नहीं, क्योंकि 500 से अबव हमें चीज़ लेनी पड़ेगी। और 372 का है, इट मीन्स इसमें कुछ डिलीवरी चार्जेस हैं, तो वो क्या हैं वो भी मैं आपको ऐड अप करके दिखाती हूँ। इसको ऐड अप कर दिया है, जब चार्ज आप इसको परचेस करेंगे तभी दिखाएगा डिलीवरी चार्ज कितना है। तो आप देख सकते हैं टोटल प्राइस दिखा रहा 425, इंक्लूडेड 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस का है इसमें। तो हम देखने वाले हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ऑनलाइन की कॉस्ट की बात करें तो 372 प्लस 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस, वहीं 370 का ऑफलाइन में मिल रहा। और अगर ईयर की बात करें तो ऑनलाइन में 2022 का मिला, जबकि ऑफलाइन में 2022 टू 2023 का मिल रहा है प्लस। और अगर टॉपिक्स की बात करें तो 98 से 99% टॉपिक्स डिट्टो हैं, यानी सेम हैं। मैं अगर एक्सपीरियंस से अपना रिव्यू की बात करूँ तो कुछ सेक्शन से जो इसके बारे में डिफाइन नहीं कर पाई थी, जैसे कि साइंस का सेक्शन है उसमें पिक्चर्स के थ्रू लाइक प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, उसका डायग्राम बनाया गया है, उसके बारे में क्लासिफिकेशन दिया गया है बहुत ही अच्छे से, फ्लोराइड उसमें भी दिखाया गया है साइंस में भी। तो इट मीन्स ये बुक तो हर तरीके से सही है, या आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, इसके टॉपिक्स बिल्कुल सही हैं। और अगर आप डीएलएड कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में ही इस बुक को पढ़ लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपको टॉपिक्स और सेमेस्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी बुक में आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि सभी एग्ज़ाम्स के ऑटो सेमेस्टर के आप 70% पढ़ चुके होंगे अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया है। तो और जैसे टॉपिक्स हैं वर्तमान शिक्षा के, कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत सारे याद करने के पॉइंट्स हैं, वो भी इसे अच्छे से डिफाइन किया गया है, डेट वाइज मेंशन किया गया है, और एक एक सीरिएशन लगा हुआ है कि कैसे आपको लर्न करना है। सभी टॉपिक्स अच्छे हैं, तो इट मीन्स एक डीएलएड पर्सन के लिए, डीएलएड जो पासिंग कर रहा है, पास कर रहा है, उसको तो उसके लिए तो बेस्ट है। और मेरे ख्याल से ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन बेटर रहेगा। और इस बुक को देखने के बाद मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी कि कोई अगर रंजन या फिर पवन गाइड लेता है तो उन सबको छोड़ करके इस बुक को पढ़े, तो आपके सारे सेमेस्टर आराम से क्लियर हो जाएंगे, और सुपर टेट के लिए तो ये बुक है ही। चलिए, अब मैंने तो आपको उस बुक के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे बुक परचेस करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी है, और क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, और क्यों सही है क्यों नहीं सही है, सब चीज़ें बता दी हैं। अब आपकी बारी है, आप बुक को जाके स्टोर पे देखें और चेक करें आपको कैसी लगती है बताएं, और आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नॉट सब्सक्राइब के परसेंटेज 99.4% है, जबकि सब्सक्राइब लोगों की परसेंटेज ओनली 0.6 है। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह मेरी स्टाइरी है, चेकआउट करें, अगर पसंद आती है तो फॉलो करें। वेल, बाय बाय, टेक केयर।